हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप यू ऑल ऑफ फील वी गुड एंड डूइंग योर स्टडी इन अ प्रॉपर वे एंड द होमवर्क यू आर गेटिंग फ्रॉम योर स्कूल यू आर डूइंग ऑल्सो रेगुलरली। दिस साइड आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम योर सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल भपिया मऊ प्रतापगढ़। ओके, आई एम राहुल मिश्रा एंड टूडे आई एम हेयर फॉर क्लास फर्स्ट विथ योर सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर। सो नाउ वी आर मूविंग टू द चैप्टर्स। As on our previous classes, we have done the chapter 1. Chapter 1 is on page number 5. Okay, we have done the word meaning, question answers, and the exercises also. Okay, so today we will read the chapter 2. Chapter 2 is the crane and the crab. Crane ka matlab ek. एक सारस पक्षी या एक साइबेरियन क्रेन। ओके, एंड एक क्रैब। क्रैब का मतलब केकड़ा। ओके, क्रेन होते हैं ये अपने जो घोंसले बनाते हैं या जहाँ ये रहते हैं, ये तालाब या नदी के किनारे ही अपने घोंसले बनाते हैं। ओके, सो लेट्स रीड व्हाट इज देयर। या एवरीवन विल कम ऑन पेज नंबर 11। ओके, विथ अ पेंसिल and a substitute copy. Okay, so during reading some word, some difficult word, what I will tell you, what I will underline, you will write on your copy. Okay, as well as I will tell you the meaning also, so it will be very helpful. Okay, so let's read the first passage here. Once in a far village there lived a large number of fishes in a pond. Okay, गांव से दूर, एक बार गांव से दूर एक तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती थी। ओके, वन ईयर इट डिड नॉट रेन एट ऑल। एक साल गांव में बारिश नहीं हुई। सो द पॉन्ड बिगेन टू ड्राई अप। ड्राई अप मतलब सूखना। सो द पॉन्ड बिगेन टू ड्राई अप, सो तालाब सूखना शुरू हो गए। नियर द पॉन्ड देयर लिव्ड अ क्रेन which was very wicked and cunning. Wicked मतलब दुष्ट, wicked का मतलब दुष्ट और cunning का मतलब होगा बच्चों चालाक। तालाब के पास वहाँ एक क्रेन या सारस पक्षी रहता था जो बहुत ही दुष्ट और चालाक था। ओके, द क्रेन वॉन्टेड टू ईट अप ऑल द फिशेज। एक चालाक पक्षी जो तालाब की मछलियों को खाना चाहता था। वॉन्ट, क्रेन वॉन्टेड का मतलब चाहना। टू ईट अप ऑल द फिशेज, सो ही वेंट टू द फिशेज एंड सेड। इसलिए ही वेंट टू द फिशेज, इसलिए वो मछलियों के पास गया और कहा। एंड सेड, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स फिशेज, बहनों और भाइयों मछलियों। उसने मछलियों को बहनों और भाइयों से एक्सप्रेस किया या उन्हें एड्रेस किया, उन्हें बहन और भाइयों कहा और पूछा, उनका हाल चाल पूछा, कैसे हैं आप सब। ओके, आई फील वेरी सॉरी फॉर यू, मैं आपके लिए बहुत दुखी हूँ। फील वेरी सॉरी, सॉरी का मतलब होना दुखी होना। सून ऑल द वाटर विल ड्राई अप इन द पॉन्ड। जल्द ही, सून ऑल द वाटर, जल्द ही विल ड्राई अप इन द पॉन्ड, तालाब में सारा पानी सूख जाएगा। एंड यू ऑल विल डाई, और तुम सारे मर जाओगे। नियर बाई, नियर बाई का मतलब नज़दीक ही। देयर इज अ बिगर, बिगर का मतलब होगा बच्चों बड़ा। नज़दीक ही एक बड़ा तालाब है। ओके, सो नाउ वी आर टर्निंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ ए लॉट ऑफ फ्रेश एंड स्वीट वाटर। उसने मछलियों से कहा कि नज़दीक ही एक बड़ा तालाब है जो मीठे और बहुत सारे पानियों, जिसमें बहुत सारे पानी हैं। ओके, और मीठा भी है। इफ़ यू लाइक, अगर आप तुम चाहो, आई विल टेक यू देयर वन बाई वन। उसने होशियारी से कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम सबको बारी बारी वहाँ
लेकर जा सकता हूँ। ओके।